बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन फैशन ट्रेंड एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए गोटा वर्क में ड्रेसेस के बहुत ही खूबसूरत आइडियाज़ लेके आई हूँ। इस वीडियो में आपको वेडिंग वेयर, पार्टी वेयर ड्रेसेस के बहुत ही खूबसूरत स्टाइल, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। आजकल ज़्यादातर गोटा वर्क का ट्रेंड तो ख़त्म ही नहीं होता, चलता रहता है और बहुत खूबसूरत लगता है मेहंदी माइयों के ड्रेसेस पे गोटा वर्क। तो आपको भी इस वीडियो में मेहंदी माइयों के ड्रेसेस पे ज़्यादातर गोटा वर्क देखने को मिलेगा। अगर आप भी अपने मेहंदी माइयों के लिए या किसी भी फंक्शन के लिए ड्रेसेस पे गोटा वर्क करवाना चाहती हैं, अपने प्लेन ड्रेसेस पे गोटा वर्क करवा के उसको फैंसी बनाना चाहती हैं, तो आप इस वीडियो से आइडियाज़ ले सकती हैं। आपको इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत गोटे में ड्रेसेस के आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। अगर आप फुल ड्रेसेस देखना चाहें तो आपको इस वीडियो में फुल गोटे में भी ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ ले सकती हैं कि आप किस तरह अपने ड्रेसेस पे फुल गोटा वर्क करवा सकती हैं। और अगर आप लाइट में करवाना चाहें तो भी आपको इस वीडियो में लाइट गोटा वर्क भी देखने को मिलेगा। आप अगर गोटा वर्क करना नहीं जानती और आप सिंपल ड्रेसेस को खूबसूरत बनाना चाहती हैं तो आपको आजकल मार्केट में ईजीली गोटा वर्क में लेसेस, पेटल्स, फ्लावर्स, मोटिव्स, डिफरेंट हर टाइप का मोटिव अवेलेबल है और आप उसका यूज़ करके अपने ड्रेसेस को खूबसूरत बना सकती हैं। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप देख सकते हैं ड्रेसेस पे आपको गोटा पट्टी का यूज़ देखने को मिलेगा। आप ही सेम एज इट इज़ गोटा पट्टी ला के अपने प्लेन ड्रेसेस को बहुत ही खूबसूरत और फैंसी बना सकती हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आप अपने वेलवेट के ड्रेसेस पे, प्लेन ड्रेसेस पे इस तरह गोटा पट्टी की मदद से, गोटा लेसेस की मदद से अपने प्लेन ड्रेसेस को खूबसूरत बना सकती हैं। बस फिर मिलेंगे नए आइडियाज़ के साथ। दुआओं में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।